नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। मधेपुरा पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता जारी करते हुए बताया कि चौसा थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार को मिली गुप्त सूचना पर भटगामा ग्राम के सियाराम यादव के बासा पर नकली शराब बनाया जा रहा है। इस सूचना पर जब छापामारी किया गया तो उस नकली शराब फैक्ट्री पर से दो व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसमें से पहले व्यक्ति का नाम पंकज यादव पिता गणेश यादव और दूसरा विकास ठाकुर पिता कैलाश ठाकुर, दोनों छोटी भटगामा थाना चौसा का रहने वाला बताया गया। साथ ही सियाराम यादव और पिंटू यादव के घर पर छापा मारने पर वहां से इंपीरियर ब्लू शराब का रेपर बरामद किया गया। आगे क्या कुछ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा, देखिए इस वीडियो में। शराब के विरुद्ध मध्यपुरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में कल चौसा थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है, इसमें कि दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अपनी ही जमीन पे कुछ उपकरणों को लगा करके वहां पे शराब को बना रहे थे। इसमें भारी मात्रा में वहां कच्चा माल मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कच्चा स्पिरिट मिला है हम लोग को 70 गैलन। इसके अलावा 400 लीटर वहां पे निर्मित शराब भी जब्त हुई है। इसके अलावा खाली बोतलें मिली हैं 200 पीस। और इसके अलावा शराब बनाने का जो रंग होता है और जो रैपर्स वो संभल है, दो व्यक्तियों का रंगे हाथों वहां पे ये सब काम करते हुए पकड़ा गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हम लोग ने खगड़िया से भी की है। कुल मिला के इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं सभी की पहचान कर ली गई है। और एसटीपी उदय किशन को मैंने निर्देश दिया है कि लगातार छापेमारी करके इन सभी लोगों को पकड़ा जाए। इसमें सफेद पोस्ट का भी हाथ बताया जा रहा है। देखिए, इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है शराब की सुसंगत धाराओं में और इसमें अनुसंधान चालू कर दिया गया है। जैसे सबूत मिलेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सभी लोगों पे हम लोग बहुत इंस्पेक्ट एक्शन लेंगे। देखिये, नाम इसमें काफी लोगों का है और उन सभी पे नियुक्त FIR भी हुई है। अब ये अनुसंधान का विषय है और हम लोग इसमें अनुसंधान बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेजेस पे कर रहे हैं और सब पूरी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चौसा थाना के थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार को मिली गुप्त सूचना पर लोवा लगान बाबा विष्णु राउत मंदिर प्रांगण में एक व्यक्ति अग्नेश्वर के साथ घूम रहा है। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष ने वहां जाकर अपने दल बल के साथ उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति अपना नाम कुणाल कुमार यादव, पिता प्रभात यादव, साकिन लोवा लगान, थाना चौसा, जिला मधेपुरा बताया। उनकी तलाशी लेने पर उनके कमर से एक लोडेड लोहे का बना देसी पिस्तौल व एक गोली बरामद किया गया। आगे पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए इस वीडियो में। के लिए सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि सुबह और शाम संवेदनशील स्थलों पर लगातार व्हीकल चेकिंग करें। इस मामले में कल चौसा में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है। इसको किसने हथियार दिया है और ये क्या करने जा रहा था, इस बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज किया गया है और आर्म्स एक्ट के केसेस में हमने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि जल्द इसमें अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट करें ताकि न्यायालय में ट्रायल चालू हो और सभी को हम लोग जल्द से जल्दी सजा दिला सके। इससे अपराध की घटनाओं में निश्चित ही कमी रहेगी। इसी के साथ आगे जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मद्य निषेध इकाई बिहार पटना द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर गम्हरिया थाना अध्यक्ष अमित कुमार राय ने छानबीन के तहत इस सूचना के सत्यापन हेतु चंदन पट्टी मुख्य सड़क पर पहुंचे तो एक ट्रक सिंहेश्वर की ओर जा रहा था, जिसे अपने दल बल के सहयोग से उस ट्रक को रुकवाया गया। रुकवाने पर ट्रक ड्राइवर व एक अन्य व्यक्ति भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। उस पकड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम पवन कुमार, पिता रूप नारायण प्रसाद यादव बताया तथा दूसरा मुकेश कुमार, पिता उमेश यादव बताया। उसके बाद उस ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें से विदेशी शराब की 14,212 पीस कुल 3897.85 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसे 25 बोरा नमक से ढककर रखा गया था। साथ ही उसके पास से दो मोबाइल और 5500 रुपया भी बरामद किया गया। शराब के विरुद्ध लगातार मध्यपुरा पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसमें कल गम्हरिया थाना क्षेत्र में एक सफलता हम लोग को मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर SDPO सदर के नेतृत्व में जो टीम रवाना की गई थी उसने ट्रक को सीज किया है। इसमें हम लोग को जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका भी हम लोग ने सहयोग लिया है। एक जो ट्रक जब्त हुआ है इसमें कुल 3900 लीटर शराब मिली है। नमक के 25 बोरे भी इन लोगों ने ऊपर से डाले हुए थे उसको छुपाने के लिए। एक ट्रक जब्त हुआ है। इसके साथ ही ट्रक में जो लगा हुआ GPS सिस्टम है उसको भी हम लोग ने पता करके सीज कर दिया है। घटना में प्रयोग किए गए दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति जो पवन कुमार है वो गया जिला का रहने वाला है। दूसरा जो मुकेश कुमार है वो कमरिया मध्यपुरा का ही रहने वाला है। इसमें भी हम लोग ने कांड दर्ज कर लिया है। दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है।
और इसमें भी जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसके बारे में काफी अहम जानकारी मिली है दोनों से पूछताछ करने के। मैंने निर्देश दिया है एसडीपीओ को थानाध्यक्ष को कि इसमें भी लगातार कार्रवाई करके जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करें। और निश्चित शराब कहाँ से आ रहा था, कहाँ निकल रहा था, देखिए इस बारे में जो पूछताछ की गई है उस पर अभी और अनुसंधान की आवश्यकता है और सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें हम लोग जल्दी ही जो बाकी लोग हैं उनको भी पकड़ेंगे। कितने लाख की होगी शराब, इसके लिए हम लोग ने एक्साइज डिपार्टमेंट से पूछा है, वो हमें जल्दी इसको पता करके बताएंगे, इसमें हमें थोड़ा समझ। आगे पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि अपनी उल्लेखनीय कार्य से मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव और उदा किशनगंज एसडीपीओ सतीश कुमार दोनों को मेडी ओर से पुरस्कृत किया गया, साथ ही आगे उन्हें पुलिस मुख्यालय से भी पुरस्कृत करने की अनुशंसा किया गया है।